यह है प्रकृति की खूबसूरती और पूर्वांचल का स्वर्ग कहा जाने वाला राजदरी वाटरफॉल। और उसी पहाड़ी जंगल के बीच में राजदरी से 2 किलोमीटर दूर एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है देवदरी वाटरफॉल। अगर आप पूर्वांचल में रहते हैं या इस लोकेशन पे आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि वहाँ जाने के लिए कौन से रास्ते हैं, किस तरह से आप इस वाटरफॉल तक पहुँच सकते हैं और इस जगह का आनंद उठा सकते हैं। इस वाटरफॉल तक जाते समय आपको रास्ते में भी वही खुशी महसूस होगी जो उस वाटरफॉल को देखने के बाद होगी, क्योंकि जितना खूबसूरत वाटरफॉल है उतना ही खूबसूरत वहाँ का रास्ता भी है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ पहाड़ और बीच में यह रोड जिस पे चलने के बाद एक अलग ही अनुभव मिलता है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन से लगभग 50 किलोमीटर और वाराणसी रेलवे स्टेशन से लगभग 64 किलोमीटर दूर चंदौली जिले में यह राजदरी वाटरफॉल और देवदरी वाटरफॉल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं रास्ते की खूबसूरती और पहाड़ पे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ कदम हमें और भी ज़्यादा आकर्षित करते जाते हैं। आखिर में जैसे ही आप प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं आपको एक सुंदर सा गेट मिलता है जिस पर लिखा रहता है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार प्रवेश द्वार। यहाँ 70 रुपये पर पर्सन टिकट कटवा के आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है अपनी सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि यह रास्ता एक वन्य जीव विहार है जिसके अंदर जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको एक अलग ही खुशी होती है। आप अच्छे से इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ और अपनी फैमिली के साथ। जगह काफ़ी खूबसूरत है, झरना गिरता है और नीचे से बहता हुआ चला जाता है देवदरी मार्ग की तरफ। इस वाटरफॉल को एंजॉय करने के लिए 3 अलग अलग व्यू पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ से अलग ही अद्भुत नज़ारा दिखता है। एक इसके सामने से, एक इसके बगल में और एक इसके जस्ट पीछे से। तो आप कहीं से भी जाके इस वाटरफॉल का व्यू देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं देवदरी मार्ग की तरफ। आप पूरे साल में कभी भी इस जगह पे आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और अपने चाहने वाले लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और इस जगह का आनंद उठा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह जगह कैसा लगा और आप लोगों में से कौन कौन इस जगह पे आ चुके हैं वो भी अपना नाम ज़रूर लिखें। अगर आप यहाँ फैमिली के साथ आते हैं और आपको रुकने के लिए, स्टे करने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पर कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस मिल जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके भी आसपास ऐसी कोई खूबसूरत जगह है जिसे आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आएंगे और वहाँ का भी वीडियो बनाकर इस चैनल पर पब्लिश करेंगे।